हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स प्रतीक प्रतीकन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सरी क्लास से लेकर के क्लास ट्वेल्व तक का पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट सब आपको मिल जाएगा और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं वहाँ से भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी तो अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है रेंस ऑन अदर प्लानट्स जी हाँ हर प्लानट पर अलग तरह की साथ होती है अर्थ के जैसा हर बाकी प्लान नहीं होता है जहां पर पानी ही बरसता हो कुछ जगहों पर रीजन क्या होता है, वो सब आपको जानने को मिलने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पे सबसे पहले आप जरा देख लें कि व्हाट इज उसके बाद सिस्टमी है, है अर्थ है, है जुपिटर है सबसे फॉर्चुनेट है ठीक है और उसके बाद जुपिटर है

टू हैव लिक्विड वाटर एंड वी नो इट रेन सी बट डू अदर वर्ल्ड ऑल्सो हैव रेन जी हाँ रेन तो होता है लेकिन हर जगह अर्थ में जैसे अर्थ में होता है ना पानी की बरसात हो रही है वैसा हर जगह हर जगह ऐसा नहीं होता है ठीक है तो रिसर्चर्स आर अंडरस्टैंडेबली लुकिंग फॉर सेलेशियल बॉडीज विथ लिक्विड वाटर रेन अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि रिसर्चर्स जो है ना वो पानी की बरसात हर जगह क्यों ढूंढ रहे हैं बिकॉज अगर किसी प्लानट पर एग्जैक्टली पानी की बरसात हो रही है इसका मतलब वो जो प्लानट है वो समहाओ ऐ ऐसा अकोमोडेट करता है कि वहाँ पर लाइफ कर पाएगी ठीक है लाइफ वहां पे होस्ट हो सकती है तो प्लान सो कि, so कि जैसा अर्थ पे बरसात होती है वैसा हर जगह बरसात नहीं होती बिकॉज सबका फिजिकल कंडीशन अलग होता है हर प्लैनेट्स में कभी -कभी अलग अलग होते हैं मासेज अलग हैं सन से दूरियां अलग अलग हैं तो टेंपरेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है एज वेन यू कंपेयर टू डिफरेंट प्लैनेट्स ठीक है आगे समझ तो चलिए अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं तो पहले जान लेते हैं वीनस के बारे में ठीक है वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इन मैनी वेज इट इज़ जस्ट लाइक अर्थ अर्थ के जैसा ही होता है बहुत सारे पैरामीटर्स में लेकिन ये अपने पास सेकेंड प्लानेट होता है फ्रॉम द सन इट इज़ सिमिलर इन साइज मास कम्पोजिशन एंड इवन प्रोक्सीमिटी टू द सन एंड दिस इज़ वेयर द सिमिलैरिटी एंड्स मतलब इतना ही सिमिलैरिटी है इसके बाद की जो कहानी है ना वो बहुत ड्रामेटिकली चेंज होने वाली है ठीक है द एटमोस्फियर ऑफ वीनस इज एक्सट्रीमली डेंस एंड द प्रेसर एट द प्लानट सरफेस इज़ नाइनटी टू टाइम्स दैन दैट ऑफ द अर्थ सर्फेस जितना प्रेशर अर्थ के सरफेस पे होता है उससे 92 टाइम्स ज्यादा प्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा वीनस के ऊपर तो पहली बात तो ये होता है कि अर्थ पे जो प्रेशर है वो किसकी वजह से तो अब अर्थ प्लैनेट है उसके आसपास पूरा एटमॉस्फेयर है अब उस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर पड़ने वाला है प्लैनेट अर्थ के सरफेस पे दैट इज कॉल्ड एज वन एटीएम वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपको ये पता होना चाहिए कि वन एटीएम जो होता है फेरिक प्रेशर जो होता है ये हो जाता है टू टू पावर पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या three, to the power के बराबर तो जितना प्रेशर अर्थ के सरफेस पे महसूस हो रहा है वो फिर भी बहुत कम प्रेशर है क्योंकि वीनस पे इसका नाइनटी टू टाइम्स प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा इट्स एज सिंपल एज दैट तो ये कुछ कहानी होती है ये बेसिक इंट्रो होता है अबाउट दी प्लेनेट वीनस लेकिन यहां पे रेन कैसी होती है सर ठीक है यहां पर रेन कैसी होगी तो रहा आपके पास पूरी कहानी सल्फ्यूरिक एसिड रेन ऑन वीनस जी वीनस के सरफेस पे जो रेन होने वाली है, है सल्फ्यूरिक रेन नहीं होती है अब जरा गौर करें द एटमोसफियर ऑफ वीनसाइजेस ऑफ क्लाउड मेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने भयानक पॉइंट हो चुका है एक्सटेंडिंग फ्रॉम अबाउट फिफ्टी किलोमीटर टू सेवेंटी किलोमीटर पचास किलोमीटर से सत्तर किलोमीटर की दूरी तक वो पूरा बादल ही एसिड का बना हुआ है, ठीक है अब उसके बाद क्या हो रहा है वाइल सल्फ्यूरिक एसिड रेन फॉल्स इन द अपर एटमोसफियर अभी तो वो रेन पूरा वीनस के सरफेस तक पहुंचा भी नहीं है ठीक है जब अपर जब अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा देन इट बेसिकली इवेपोरेट then it basically evaporates around 25 km above the surface of Venus. ठीक है Venus के 25 km ऊपर Venus के surface के 25 km ऊपर ही वो जो rain है वो evaporate हो जाता है लेकिन जो rain हो रहा है वो किसका हो रहा है Sulfuric acid का rain हो रहा है आप समझ रहे हैं इस बात को उसके बाद between 1978 to 1986 it was found that the sulfur dioxide concentration dropped by a factor of इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस रेन कॉन्टेंट में वो दस गुना कम हो चुका है इट इज ड्रॉप्ड बाई अ फैक्टर ऑफ टेन जिसका मतलब ये है विच बेसिकली सजेस्ट दैट द सल्फर इन द एटमॉस्फेयर एक्चुअली कम्स फ्रॉम वोल्केनिक यहां पे जो सल्फर कंटेंट है ना उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है वोल्कैनिक इरपशन तो अब यहां पे एक और चीज डहरने वाली आ चुकी एक तो सल्फ्यूरिक एसिड रेन हो रही थी अब तुम बता रहे हो कि यहां पर वोल्कैनिक इरप्शंस भी होते हैं तो जी हां बिल्कुल होते हैं वोल्कैनिक इरप्शंस इसलिए मैं कह रहा था कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम अर्थ पे हैं। आई समझ में बात यहां वीनस जो है ना वीनस पे रहना तो आप समझ जाओ कि कैसा होने वाला है वहां तुम घूम रहे हो बरसात किसकी हो रही है एसिडिक रेन हो रहा है वहां पे ठीक है चलिए ओके okay. तो यहां पे जो मेजर फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स तो दिस सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम ठीक है ये इसकी कहानी होती है तो इतनी सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड की रेन आपको देखने को मिल जाएगी इन द केस ऑफ वीनस प्लान ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आते हैं एक नया प्लान एक दूसरा नाम प्लान एच डी ठीक है

एक हजार डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर हो जाएगा एच डी वन एट नाइन सेवन थ्री थ्री बी प्लेनेट के ऊपर ठीक है तो ये हो गया इस प्लेनेट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेकिन जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि यहां पे बरसात किस चीज की होती है तो यहां पे कांच की बारिश हो रही है ग्लास रेन इज ऑब्जर्वड कहां पे इस प्लैनेट पे ग्लास का रेन ऑब्जर्व होता है ठीक है अब जरा गौर करें ये इस प्लान का जो ब्लू कलर है इसके पीछे का रीजन क्या कोई ओशन है या वॉटरी सर्फेस है जी नहीं द ब्लू कलर डज नॉट कम फ्रॉम एन ओशन और सम वॉटरी सर्फेस इंस्टेट इट कम्स फ्रॉम अ हेजी टर्ब्यूलेंट एटमोसफेयर बिलीव टू बी लेस विथ सिलिकेट पार्टिकल्स बहुत ही बारीक सिलिकेट पार्टिकल्स ठीक है और ये सिलिकेट पार्टिकल वो पार्टिकल है जो कि कंपोजिशन होता है किसका नेचुरल ग्लासेस का नेचुरल ग्लासेस बेसिकली जो मटेरियल है ना दैट इज बेसिकली सिलिकेट पार्टिकल इट रेन्स ग्लास साइडवेज इन हॉलिंग स्पीड 7000 किलोमीटर पर आर इस गति से और एक और खास बात है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेन होता है मतलब ये जरूरी नहीं है कि वर्टिकल रेन ही हो रहा होगा यहाँ से सठ सठ हॉरिजोंटल रेन भी होता है वो भी पानी की बरसात नहीं है यहाँ पे कांच बरसते हैं बाकायदा कांच की बरसात होती है ठीक है तो अगर आपको ये समझना था कि यहाँ पे कैसा रेन होता है तो ऑब्वियसली पानी का रेन नहीं है दिस प्लान इज नॉट

ठीक है दीज आर कॉल्ड एज द गैस जॉन्ट्स ठीक है

अरे यहां तो बरसात हो रही है हीरो की ठीक है एट सच हाई प्रेशर वंस दीज दे फॉल लाइक रेन रेनड्रॉप ठीक है बरसात हो रही है किसकी हीरो की बरसात हो रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट इट्स एज सिंपल एज दैट दिस वॉज अबाउट नेपट्ट्यून अब एक छोटा सा इंट्रो एक बड़े से प्लान के बारे में टाइटन टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटन ठीक है एंड इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट नोन टू हैव अ डेंस एटमोसफियर इसका एटमोस्फेयर बहुत डेंस होता है और ध्यान रखना कि वन एटीएम कितना होता है कहीं पे एटमोसफियर बहुत डेंस है कहीं पे कम डेंसर है तो आप उसे कैसे मेजर करोगे उसके एटमोस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से और वन एटीएम टू वन पॉइंट जीरो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या चलो पास ठीक है टाइटन हैज लिक्विड सी इज मेड ऑफ

हेमिस्फीयर एंटिल 2010 2010 तक टाइटन का जो सदर्न हेमिस्फीयर था वहां पे समर ही चल रहा था इट वाज समर आया समझ और यहाँ पे जो इसका जो भी एटमॉसफेयर जो भी टेम्परेचर वगैरह है दिस इज बेसिकली डोमिनेटेड मेजरली बाई साइटन ठीक है माइल्ड एक्सपोजर ओवर अ पीरियड ऑफ डेज और वीक्स कैन ऑफन शो रिलेटिवली फ्यू फिजिकल सिम्टम्स अगर मिथेन से आप एक्सपोज हो जाते हो ना काफ़ी समय तक अगर आप एक्सपोज हो रहे हो लेकिन माइल्ड एक्सपोजर है ठीक है ड्यूरेशन बहुत लंबा है एक्सपोजर का लेकिन माइल्ड एक्सपोजर अगर होता है तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स जो है ना वो आपको नजर आ जाते हैं बट स्टिल हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल मेंटल हेल्थ आगे आपको बात समझ में तो इस तरह की रेन होती है तो यह सब जान के हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम अर्थ पे हैं अर्थ पे जब बरसात का माहौल होता है ना तो बहुत ही प्यारा सा मौसम बन जाता है ऐसा ठीक है ऐसा हर प्लेनेट पर नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल से यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी तो ये हमारी सीरीज है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस इस पर मैं आपके लिए ऐसी ही और भी और भी सारी शानदार चीजें लेकर के आता रहूंगा अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो आपको प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम की क्लासेज विथ एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज क्रैश कोर्स स्पोकन इंग्लिश सीयूवी टी एन टी एस ओलंपियाड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की भी क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच